हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दर्दनाक दास्तां बयां करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम आपको हाथियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताएंगे जो आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, हाथियों को सदियों से जंगलों के संरक्षण के तौर पर जाना जाता है। हाथी आकार में सबसे बड़ा जानवर है, बल्कि यूं कहें तो हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है। हमारी धरती पर हाथियों की 3 प्रजातियां पाई जाती थी। इनमें से एक वूली मैमथ की प्रजाति थी जो विलुप्त हो चुकी है, और आज सिर्फ अफ्रीकन हाथी और भारतीय हाथी यानी के एशियाई हाथी ही मौजूद है। इनमें अफ्रीकन हाथी भारतीय हाथी के आकार में काफी बड़े होते हैं। हम आपको बता दें कि हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो जमीनी जीवों में सबसे लंबा होता है, और जन्म के समय हाथी का बच्चा 104 किलो का होता है। आमतौर पर हाथी का जीवन काल 50 से 70 साल का होता है। हालांकि सबसे अधिक जीने वाले हाथी की आयु 82 वर्ष दर्ज की गई है। दुनिया का सबसे बड़े हाथी को 1995 में अंगोला के जंगलों में मारा गया था। इस हाथी का वजन 10,900 किलो था। दुनिया के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप पर पाए जाते थे। ये गाय के बछड़े और सुअर के आकार के होते थे, लेकिन इनकी भी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों, क्या आपको पता है एशियाई हाथी उनकी बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता डॉल्फिन या फिर किसी वन के मानव के बराबर मानी जाती है। साथ ही दोस्तों, हाथी अकेला ऐसा जानवर है जिसका शिकार जंगल का कोई जानवर नहीं करता, लेकिन शेर को कभी कभार कमजोर हाथी या फिर हाथी के शव का शिकार करते देखा गया है। लेकिन हाथियों का शिकार सबसे ज्यादा इंसानों द्वारा ही किया जाता है। इंसान हाथियों का शिकार करके ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं, जैसे कि हाथी के दांत अथवा उनकी हड्डियां। अमीर लोग शौक के लिए खरीद लेते हैं, इसी कारण अफ्रीका के कई गरीब देशों में इसका अवैध शिकार किया जाता है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया में अफ्रीकन हाथी की प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया में अफ्रीकन हाथी लगभग 6,10,000 ही बचे हैं, और भारतीय यानी कि एशियाई हाथी 60,000 बचे हैं, और ये संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। सदियों से इंसान हाथियों को पालते हैं। सबसे ताकतवर जानवर होने के कारण प्राचीन काल में हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था, लेकिन आजकल हाथियों को सर्कस में, मंदिरों में या फिर कहीं त्योहारों में किया जाता है। आज हम आपको जिस हाथी के बारे में बताने जा रहे हैं, वह श्रीलंका का हर साल श्रीलंका के पराहेडन नामक एक बुद्धिस्ट समारोह आयोजित किया जाता है। इस समारोह में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी समारोह में जब बाहर से आए लोगों ने टिकरी नामक 70 वर्षीय हथनी को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। शरीर में पूरी तरह कमजोर इस हथनी को परेड में घुमाया जाता था, तभी किसी ने इस हथनी की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। उसके बाद दुनिया भर में श्रीलंका की आलोचना होने लगी। 70 वर्षीय टिकरी उन 60 हाथियों में से एक है जिन्हें हर साल इस समारोह में घुमाया जाता है। उसके कमजोर शरीर को छुपाने के लिए उस पर भारी भरकम लबादा डाल दिया जाता है। जब इसके पीछे की सच्चाई लोगों को पता चली तो उनके होश उड़ गए। सोशल मीडिया की पोस्ट के अनुसार टिकरी को समारोह के लिए नहीं बाकी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। उसे देर रात तक धुएं और शोर शराबे के बीच काम कराया जाता था, साथ ही उसकी ठीक तरह से फीडिंग भी नहीं की जाती थी। कमजोर होने के कारण उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके अलावा उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई थी। इस हाथी की दर्दनाक कहानी जब लोगों को पता चली तो लोग हथनी के मालिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पर्यटन और वन्य जीव मंत्री जॉम अमरतुंगा ने कहा, उन्होंने वन्य जीव अधिकारियों द्वारा जांच का आदेश दिया है। टिकरी को देखकर तो साफ समझ में आता है कि उसके साथ कितना बुरा सलूक किया गया होगा। वह ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, देखा आपने इंसान किस तरह अपने मतलब के लिए जानवरों का इस्तेमाल करता है।
और जब वह जानवर उसके काम का नहीं होता तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे बेच दिया जाता है। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ कैसा सुलूक किया जाना चाहिए जो जानवरों के साथ ऐसा नीच काम करते हैं? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और जानकारी वाले वीडियो मिल सकें। धन्यवाद आपका।